कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। खुद की राजनीति कर रही है, इसीलिए जानबूझ करके उनके बेटे अब्बास अंसारी को पेरोल नहीं दिया गया। सांसद जी आने के बाद ही बताए कि स्लो पॉइजन उनको दिया जा रहा है। अभी नमाज जनाजा में लाखों की भीड़ इकट्ठा थी, अभी आप तो चैनल वाले हैं, देश विदेश में जाकर के लेते होंगे सूचना, आपको पड़ी तो क्या महसूस? बहुत दर्द हुआ कि एक अच्छे सज्जन इंसान को माफिया कहा जा रहा है, जबकि माफिया बृजेश सिंह है, उसको कोई माफिया नहीं कहेगा। जो सत्ता बैठा वो खुद माफिया है, उसको कोई। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद में, यहाँ सीनियर पर्सन थे, उनसे बातचीत करूँगा। अभी कुछ समय पहले यहाँ नवाज पढ़ा गया, नवाज के बाद पार्थिव शरीर को कब्र तक लेके जाएंगे? यहाँ कुछ लोग सीनियर, उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है सर आपका? एम कुरैसी। ये बताइए सर, जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा विधायक को पेरोल नहीं मिला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये शुरू से ही शासन प्रशासन विरोध की राजनीति कर रही है, इसीलिए जानबूझ करके उनके बेटे अब्बास अंसारी को पेरोल नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले जहर की सूचना मिलती है, उसके बाद अचानक रात को आता है, कुछ दिन बाद हार्ट अटैक हो जाता है, तो आपको क्या लगता है? ये तो सारे हिंदुस्तान के मीडिया वाला जानते हैं कि जब ये मसीहा मुख्तार अंसारी जी आए थे 3-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में, तो गाजीपुर के सांसद जनाब अफजाल अंसारी जी उनसे मिलने गए, केवल 5 मिनट का समय दिया गया। ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है। सांसद जी आने के बाद ही बताए कि स्लो पॉइजन उनको दिया जा रहा है, जो कि जाकर के बात सत्य हो गया। ये तो आप ही लोग बताए हम लोगों को, ये पूरी जनता जो है आप लोगों के समाचार के माध्यम से जानी है कि उनको जो है धीमी धीमी गति से जो है जहर दिया जा रहा था। आप लोगों ने बताया है पूरे हिंदुस्तान के जनता को। तमाम ऐसे जो गंभीर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, उस पर आप क्या कहना? कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, क्योंकि वह सामंतवादियों के विरोधी थे, गरीबों मजलूमों बेकसों के मददगार थे। उनके पे ऊपर जो सामंतवादी ताकतें प्रहार करते थे, उसका वह डट करके सामना करते थे। अभी आप बताइए ना कि कोई भी मुख्तार अंसारी अपने लिए कोई किए हैं गलत काम, तो बताइए। तो कहीं ना कहीं उनके जाने से हर समुदाय के लोग को दुख है। ये बताइए कि आप अभी नमाज जनाजा में लाखों की भीड़ इकट्ठा थी, अभी आप तो चैनल वाले हैं, देश विदेश में जाकर के लेते होंगे, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि सिर्फ यहाँ मुसलमान ही आया था इनके नमाज जनाजा में? बहुसंख्यक लोग सारे थे यहाँ पे आए। अभी इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार का क्या पूर्वांचल में या प्रदेश में वजूद है? आप मीडिया वाले हैं, आप बताइए इसको। कुछ आपके ही लोग बात कर रहे थे, अभी हम वहाँ नवाज में थे, वहाँ भी नवाज ख़त्म हुआ, वहाँ बात कर रहे थे कि दुख होता है कि कोई माफिया कोई गुंडा हेडिंग लगा कर चला रहा है चैनल पर, उस पर भाई साहब ने भी नाराज़गी व्यक्त की, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में बहुत सारे माफिया हैं, लेकिन केवल एक ही संप्रदाय के लोग को माफिया घोषित किया जाता है, और को क्यों नहीं? आप चैनल वाले हैं, आपको भी पता है कि प्रदेश में माफिया हैं कि नहीं हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। आप अपने चैनल से बताते हैं, आप ही के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। बांदा में जो बांदा के जो DM थे, परिवार वालों ने उनको ज्ञापन दिया है कि जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि जांच होगी सत्यतापूर्वक? नहीं, एकदम जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज को लगाया जाए, उसकी जांच कराया जाए जी। ये उनके परिवार के लोगों ने ही ये एप्लीकेशन दिया है बांदा DM महोदय को, इसकी जांच होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। कभी ऐसी कोई बात हो जो मुख्तार अंसारी से आपकी मुलाकात हुई हो, कैसी कुछ यूनिक बात आपसे कहें जो उनकी बात आज आपको याद आती हो? हम लोग जब
कम उम्र के थे उस जमाने में मुख्तार अंसारी से मुलाकात हुई है, हम लोगों से सीनियर थे, स्वभाव से बहुत बढ़िया थे, वो तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, उस समय हमारी मुलाकात है, स्वभाव से बहुत अच्छे थे। अभी तो जनाजा भी कब्र के पास पहुंच गया होगा, काफ़ी भीड़ है वहां, तो जगह भी कम है, बहुत लाखों की भीड़ है, हम लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा मिट्टी देने के लिए, इसीलिए यहां हजारों की संख्या में यहां लोग रुके हुए हैं, जब वहां भीड़ खाली होगी तो हम लोग जाएंगे अपने नंबर पर मिट्टी देने। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, बताइए जिस तरीके से यहाँ लाखों की भीड़ में लोग जुटे हुए थे, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे, चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, तो उन पर आप क्या करना चाहते हैं? जो दिखला रहे वो गलत दिखला रहे हैं, ऐसे विधायक जी है नहीं, विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, बस ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ जी, दुख की बात है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। आप भी अभी शामिल हुए थे नवाज में, तो जब इस घटना की सूचना आपको पड़ी तो क्या महसूस? बहुत दर्द हुआ कि एक अच्छे सज्जन इंसान को माफिया कहा जा रहा है, जबकि माफिया ब्रजेश सिंह है, उसको कोई माफी नहीं कहेगा, जो सत्ता बैठा वो खुद माफिया है, उसको कोई नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि सत्ताधारी है वो, और नहीं तो उसको जांच करा दिया जाए, सीबीआई जांच करा दिया जाए, अभी सत्ता डटा के कितने किस नज़र आएंगे उनके ऊपर। यहाँ तक कि लोग, कुछ लोग समर्थक कह रहे थे जो काम करता है उसको लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, जो नहीं करता है उसको भगवान मानते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, अगर काम गलत सही नहीं किए होते हैं तो इतना जनता भीड़ लगाती क्यों? सही काम किया तभी तो भीड़ लगाई जनता ने। इस नवाज में मैंने देखा कि सभी समुदाय के लोग आए हुए थे, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जब हम दूर थे, जब अपने जनपद में थे, तो तमाम तरीके का वीडियो हम भी देखते थे, तो मुझे भी लगता था कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों के बीच में जब हम आए यहाँ, तमाम लोग, चूँकि यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग आए, सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं कि जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से है नहीं है, ऐसा कुछ सुहाग ही नहीं है ना। मैंने तो गरीबों को देते हुए इनको देखा, गरीबों के पैसे बांटते हुए हमने देखा है, मैंने खुद भी आऊँ, मैं गरीब टाइप से था, मैं भी आऊँ पैसे उनसे जी, उन्होंने दिया हमको जी। हाँ, तो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सब नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई, बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं एक कयास है कि इस दुनिया में हम नहीं रहे, चले गए। एक भाई साहब और इनसे बातचीत करूँ, क्या नाम भाई साहब? निहाल। नाम मेरा निहाल जी। जिस तरीके से प्रशासन का यहाँ रहा, कड़ाई से सुरक्षित रही, सुरक्षा रहा, आपको क्या लगता है? सुरक्षा तो थी काफ़ी हद तक, यही सुरक्षा अगर उनके चिकित्सा में सारी चीज़ों में हुई होती तो आज ये भीड़ और ये गमगीन माहौल देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से हमारे मसीहा को उन लोगों ने शोषण करके और कह सकते हैं कि किया है, तो आज समाज देख रहा है, आप बहुत बुरा हुआ है। आप मसीहा कहते हैं लेकिन तमाम जगह भाई साहब, एक चाचा उधर भड़क गए हमारे ऊपर, वो कुछ अलग तरीके का हेडिंग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भड़क जाएंगे आप अगर हमारे वाले माफिया हो गए और उनके वाले मसीहा हो गए, हमारे माफिया हो गए, और भी तो अपराधी हैं, बहुत सारा अपराधीकरण है। आप रंगीन चश्मा लगाइएगा ना भाई साहब तो आपको रंगीन दिखेगा, आप वाइट चश्मा लगाइएगा ना तो जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखेगी, तो आप अपने चश्मे से देख रहे हैं ना, वाइट चश्मा लगाइए। हार्ट अटैक है या स्लो पॉइज़न? बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं है। मुख्तार अंसारी उस शख्सियत का नाम है, इतना बड़ा गुर्दा और इतना बड़ा जिगर है कि हार्ट अटैक का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो जाए। ना जाने कितनी विपत्ति और कितनी परिस्थितियाँ आईं, आज तक जो है चीज़ें नहीं हुई। इससे पहले भी एक बार जो है जहर का मामला हुआ था, आशंका भी जताई थी, काफ़ी टाइम से मामला चल रहा था और जहर भी पाया गया, मेडिकल प्रूफ भी हुआ, आपके मीडियम मीडिया से भी चलाया गया, सारी चीज़ें हैं। दो डिप्टी जेलर और एक जेलर सस्पेंड हुए हैं, ये आप भी जानते हैं जी। तो चीज़ें हैं ये, जो जिस तरह षड्यंत्र रच के जो डीएम के जो बांधक जो डीएम है, जो परिवार वाले दिए हैं जांच के लिए, क्या आपको लगता है निष्पक्षता जाँच होगी? बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। इतने बड़े पदाधिकारी थे, सारे फैमिली में पदाधिकारी हैं इनके,
हैं, वर्तमान में सांसद हैं, दो बेटे MLA हैं वर्तमान में हैं, और इतने बड़ा एक कुनबा कह लीजिए जो शोषित और गरीब मजलूमों की हिमायती करने वाले इंसान का जिस तरह से प्रताड़ित और शोषित किया गया, समाज देख रहा है, समाज जान रहा है, इस चीज़ों को समझ रहा है, मगर क्या कर सकते हैं जी, अपोजिट सरकार है, कहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों को दबा के आप रख रहे हैं कि सरकार नहीं है, बात नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल, बोलने का भी डर है, बोलने का भी डर है भाई, कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस जिस तरह से हिटलर शाही चल रही है, हो जाएगी। क्या नाम भाई साहब आपका? एहसान खान। जब घटना को सुनने के बाद यहाँ तमाम लोग एकत्रित होने लगे, धीरे धीरे काफ़ी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, यहाँ के DM SP भी मौजूद थे, DIG भी मौजूद थे, क्या लगता है आपको जिस तरीके से यहाँ प्रशासन, इतनी कड़ी सुरक्षा थी, अगर यहाँ वहाँ रखा गया था तो वहाँ ये सुरक्षा दिया गया होता तो आज गरीबों के मसीहा हम लोगों के बीच होते, जेल में ही थे, लेकिन हम लोगों को ये सुकून था कि हैं, लेकिन अब प्रशासन द्वारा उनको फ्लो पॉइजन दे के मार दिया गया, बहुत अफसोस की बात है हम लोगों के लिए। आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मिट्टी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग मिट्टी देने चले गए, यही बात। काफ़ी भीड़ है, कैसे आप वहाँ जा पाएंगे, जगह कम है, समर्थक ज़्यादा है, चाहने वाले ज़्यादा हैं? तो हम लोग रुके हुए हैं, पर बारी बारी से जाएंगे। सांसद जी ने अनाउंसमेंट किया था कि पहले दो फप, तीन फप, दो दो फप करके लोग जाएंगे अंदर जी, वही बारी का अपना इंतजार कर रहे हैं। तादाद बहुत ज़्यादा है, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जी वो है यहाँ पे जी। तो यहाँ तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई, बातचीत दौरान सब अपनी दुख के पीड़ा को रखे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद गाजीपुर, मोहम्मदाबाद। जय हिंद।